अब खबर अंबाला से है। ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे देते हैं। अंबाला में लगातार बरसात के चलते जलभराव, निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर जलभराव के चलते यातायात भी प्रभावित। बरसात के बाद ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठे। अंबाला में लगातार बरसात से जलभराव, निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित। बरसात के बाद ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठे। तो अंबाला में लगातार बरसात से जलभराव, निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर जलभराव के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। तो अंबाला में लगातार बरसात हो रही है और जिसके चलते जाम, जलभराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी अंबाला से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं राघव विच। राघव, अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है अंबाला में, जलभराव और जाम से लोग कितने परेशान? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे अंबाला में 2 घंटे की बारिश ने जो है प्रशासन और निगम की जो है पोल खोल के रख दी है। आपको बता दें सिर्फ 2 घंटे की बारिश नहीं, अंबाला के सबसे पोश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर है जो वो डुबोदिया, और सेक्टर 9 की अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाता है, उसके हालात इस कदर है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कहीं ना कहीं उनका सामान भी खराब हुआ है। ये स्थिति सिर्फ सेक्टरों की नहीं है, पूरे अंबाला की इस तरह की स्थिति है। और अभी फिलहाल जो यहाँ पर मौके पर जो है नगर निगम के डिप्टी मेयर अपने पार्षदों के साथ निकले हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, और उनका कहना है कहीं ना कहीं ये जो है नाकामी पूरी तरह से प्रशासन की है। और आपको बता दें, एक तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाई थी, इनको चौक के पास एक अंडर पास है जहां से अंबाला और अंबाला शहर के लोग जो है आपस में यहां से कनेक्ट होके एक दूसरे के रास्ता है, चाहे वो अंबाला कैंट जाना हो चाहे अंबाला शहर हो। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि लोग जो है रेलवे लाइन के ऊपर से पैदल होकर जा रहे हैं, लेकिन वाहन जो है बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। कई वाहन भी जो है पानी के करके बीच पानी में ही खड़े होने से खराब भी हो चुकी है। जी बिल्कुल राघव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।